1 जुलाई से शुरू हो रहे अनलॉक 2 और संचारी रोग अभियान के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से अनलॉक 2 शुरू हो रहा है, जिसमें पहले की तरह की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा कुछ नई छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जुलाई से शुरू हो रहे संचारी रोग अभियान को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ADG दावा शेरपा, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, DIG राजेश डी मोडक, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता, कोविड के नोडल अधिकारी संजय कुमार खत्री, प्रभागीय वन अधिकारी अविनाश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पहले की तुलना में कुछ और छूट दी जा रही है। ज्यादातर मामलों को लॉकडाउन प्रथम में ही छूट दी जा चुकी है। लॉकडाउन सेकेंड में कुछ अन्य चीजें हैं जिसके बारे में थोड़े संशोधन करने के साथ उसे जारी किया जा रहा है। मेरठ कमिश्नरी के बारे में स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ से पहले से ही एक गाइडलाइन जारी कर रखी है। शेष अन्य जनपदों के बारे में यहाँ पर आज रात से होकर जारी हो जाएगी। मैं ऐसे कहूँगा कि वह के बारे में बता दें। भारत सरकार के आदेश स्पष्ट हैं कि रात्रि कर्फ्यू अब उन्होंने जो छूट दी है रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक की जो है कर्फ्यू का समय निर्धारित किया। बाकी समय कर्फ्यू नहीं रहेगा। आपके संज्ञान में है कि ये पहले 9 बजे रात से था, जिसको अब बढ़ाकर 10 बजे कर दिया गया है। आदेश किया है पिछली DC के क्रम में कि वो रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक यथावत रहेगा। कम से कम अभी 1 सप्ताह 10 दिन तक मानदंड करने के बाद ही इसमें कोई परिवर्तन किया जाएगा। तो मेरठ मंडल जो है सबसे अच्छी रात्रि जो है यथावत रहेगा। और शिक्षा विभाग अलग से अपने आदेश जो है केवल कुछ टीचर्स के लिए जो उनके अपने इंटरनल वर्किंग के लिए जारी किए हैं। सचिव साहब के जो आदेश मुख्यमंत्री जी से वापस होकर जा रहे हैं बहुत स्पष्ट है। वो सब दोबारा दोबारा आएंगे कि नहीं, शिक्षण संस्थान है बहुत कम पुरा जाएगा। हमने आदेश दिया है एक बार हो जाओ तो ट्रेनिंग संस्थाएं हैं भारत सरकार की और बहुत सारी हमारी पुलिस ट्रेनिंग की संस्थाएं भी है, बहुत सारे अन्य विभाग की ट्रेनिंग संस्थाएं है। 15 तारीख के बाद से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ट्रेनिंग संस्थाओं को भी जो है चलाने की अनुमति रहेगी। लॉकडाउन भी किया है NCR के क्षेत्र में, गाजियाबाद, जाली घटना पंद्रह में हेल्थ की एडवाइजरी, बाकी शेष यथावत रहेगा। मैं सचिव मोदी से यह जरूर कहना चाहूंगा कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये प्रचार भी पूरे प्रदेश में काफी संख्या में प्रचार सामग्री भेजी गई है, लेकिन अभी प्रचार तो आप लोग तो सबको हर माध्यम से देखना पड़ेगा। आपको कुछ दिनों में जैसे गंभीर मामलों में NSA आदि लगाने का चलाया है, जिसके संदर्भ में अभी निर्देश आज जारी कर दिए गए हैं। सभी DM जरा दिखवा लें, क्योंकि काफी मामलों में यह देखा गया है ग्रामीण स्तर पर छपड़े और इस तरह के गंभीर अपराध को नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त रूप से जो प्रिवेंटिव एक्शन है उन पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मैं सर आपकी अनुमति रहेगी सर आज अभी चीफ जस्टिस साहब से भी मिलकर आए हैं हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ, तो उन्होंने इलाहाबाद के लिए प्रयागराज के लिए विशेष रूप से कहा है कि मास्क को जरूरी किया जाए। तो जिला प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि सख्ती करिए। और कोर्ट ही कह रही है, कोर्ट ने तारीफ की है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है और कोर्ट चाह रही है कि जो भी कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, वहाँ आस पास सख्ती की जिम्मेदारी। माननीय श्री सर जी मैं मतदान
जुलाई से पूरे प्रदेश में संचारी रोग अभियान प्रारंभ हो रहा है और इस संबंध में अंतर विभागीय बैठकें आपके द्वारा आयोजित की गई होंगी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 10 बजे पांच कालिदास मार्ग से इसका अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। सभी जनपदों में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स और जो प्रिकॉशंस हैं उनको लेते हुए करते हुए हर जगह शुभारंभ का एक कार्यक्रम करवाया जाना है। इसमें आप अभी तक आप कर चुके होंगे स्थानीय माननीय मंत्रीगण से अनुरोध, स्थानीय सांसद जी से, स्थानीय विधायक जी से अनुरोध करके इसका शुभारंभ आपका करवाया जाना है, जिसमें की जो साफ सफाई का अभियान होता है, स्प्रे है, फॉगिंग है, क्योंकि इस समय जो समय आ रहा है इसमें वेक्टर बोर्न डिजीज भी होंगे, डायरिया डिसेंट्री भी होगी अगर पानी खराब है, और जो जिले प्रभावित है इसका भी प्रकोप होता है। यही समय आ रहा है जिसमें अत्यंत सावधानी रखकर के हम बहुत बड़ी जनसंख्या को कई प्रकार की बीमारियों से हम बचा सकते हैं, और जहाँ पर आप कार्यक्रम करें जागरूकता के लिए स्टॉल पोस्टर आदि भी लगवाएंगे। हमारे यहाँ पे जिलाधिकारी ने बहुत बढ़िया पानी फ्लो हो ताकि वो मच्छरों का उसमें जगह न हो, वो सभी विभागों को अपना अपना काम करना है।